वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर शुरू किया था, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 के तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर, ये फिगर है पी इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। पी एक पॉइंट है पैरेललोग्राम के अंदर। शो दैट एरिया ए पी बी, ये वाली ट्रायंगल का एरिया, प्लस एरिया पी सी डी, ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड करें तो बराबर आता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। दूसरे पार्ट में एरिया एपीडी, ये वाला एरिया, प्लस एरिया पीबीसी, ये वाला, बराबर एरिया एपीबी प्लस एरिया पीसीडी। तो ये करना है फर्स्ट पार्ट में एपीबी और पीसीडी का एरिया। इसके लिए हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, इस पॉइंट के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मान लो एल एम है, ड्रा एल एम थ्रू पी सच दैट एल एम इज पैरेलल टू ए बी एंड आल्सो पैरेलल टू डी सी। तो ए पी बी का एरिया, ए पी बी और ये ए बी एम एल, ए पी बी ट्राइंगल और ए बी एम एल पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस ए बी पर है। ट्राइंगल ए पी बी एंड ये पैरेललोग्राम ए बी एम एल आर ऑन सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड एल एम। देयर फोर एरिया ए पी बी प्लस एरिया सॉरी एरिया ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एल एम। तो ये आ गया हमारे पास पहली इक्वेशन, एरिया ए पी ए पी बी का हाफ आ गया एरिया ए बी एल एम पैरेललोग्राम का हाफ। सिमिलरली इसी तरह से, सिमिलरली एरिया ऑफ पी सी डी जो ये वाली ट्राइंगल है, ये भी हाफ होगा एरिया अब नीचे वाली पैरेललोग्राम का, क्योंकि इनका सेम बेस है डीसी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं ये दोनों फिगर्स डीसी और एलएम के। सिमिलरली एरिया पीसीडी ट्रायंगल का, पीसीडी का बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एलएम सीडी। ये क्वेश्चन हमारी वन आ जाएगी, ये वाली क्वेश्चन नंबर टू, इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ, क्योंकि ये ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड एल एम है, और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ एरिया पैरेललोग्राम एल एम सी डी, क्योंकि इनका सेम बेस डी सी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी सी और एल एम ये हैं। अब अगर हम ऐड करें, एडिंग वन एंड टू बी गेट, लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। लेफ्ट साइड से कि एरिया ए पी बी पहली क्वेश्चन की लेफ्ट साइड और सेकंड क्वेश्चन की लेफ्ट साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, इनका सम आ जाएगा हाफ, इधर भी है ये कॉमन, वन बाई टू ए बी एल एम प्लस वन बाई टू एल एम सी डी। ए बी एल एम ये वाली पैरेललोग्राम है और एल एम सी डी ये, इन दोनों का सम पूरी पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो जाएगा। इस तरह से पार्ट फर्स्ट प्रूव हो जाएगा, हैंड्स रूट। सिमिलरली इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ये वाला एरिया, इधर से एक पैरेलल हम ड्रा कर लें पैरेलल लाइन ए डी और बी सी के। तो ये मान लो हम कर लेते हैं एक्स वाई, फिर ये वाली ट्राइंगल ए पी डी
और ये वाली पैरोग्राम ए एक्स वाई डी ऑन द सेम बेस ए डी और बिटवीन द सेम पैरेलल एक्स वाई हो जाएंगी, तो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ आ जाएगा इस पैरोग्राम का, और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ आ जाएगा पैरोग्राम बी एक्स वाई सी का, क्योंकि ये बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी और एक्स वाई होगा, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, जैसे हमने ये प्रूव किया पार्ट फर्स्ट वैसे ही ये कर सकते हैं, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी बराबर हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। तो इसका नंबर अगर हम 3 दे दें, इसका 4 दे दें, 3 और 4 की राइट साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगी, फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर इसकी थर्ड की लेफ्ट साइड है एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी, इन दोनों का सम हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। सेकेंड पार्ट में ये वाला एरिया इधर है और ये है, तो हम सिमिलरली लिख लेंगे कि ये वाला एरिया भी हाफ ए बी सी डी, और फिर इसका नंबर 4 देंगे इस क्वेश्चन का, 3 3 और 4 को अगर हम देखें राइट साइड्स इनकी बराबर है इसलिए लेफ्ट साइड्स में ये दो ट्राइंगल्स के एरिया का सम है, और यहाँ भी लेफ्ट साइड में फोर्थ क्वेश्चन के दो ट्राइंगल्स के एरिया का सम है, तो ये बराबर हो जाएगा जो पार्ट सेकेंड है इस क्वेश्चन का। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर, एक्स एक पॉइंट है बी आर पर, शो दैट एरिया पी क्यू आर एस बराबर एरिया ए बी आर एस फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में एरिया ए एक्स एस इस ट्राइंगल का एरिया बराबर हाफ एरिया पी क्यू आर एस का। तो फर्स्ट पार्ट सीधा सीधा है, फर्स्ट पार्ट में ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस, ये दोनों पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस और ए बी आर एस आर ऑन सेम बेस, एस आर इनका सेम बेस है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एस आर एंड पैरेलल्स जो सेम है एक एस आर और दूसरा पी बी, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस, क्योंकि थ्योरम है अगर दो पैरेलोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तब उनका एरिया बराबर होता है, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस ऑन द सेम बेस एस आर एंड बिटवीन सेम पैरेलल पी बी है, इसलिए ये पहला पार्ट हो जाएगा हेंस प्रूफ। और सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ए एक्स एस जो ट्राइंगल है ए एक्स एस हम लिखेंगे ट्राइंगल ए एक्स एस, इसका नंबर 1 दे देंगे क्योंकि इसको यूज करना पड़ेगा, एंड पैरेललोग्राम्स ये ए बी आर एस जो पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम ए बी आर एस, ये दोनों आर ऑन सेम बेस, ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस ई एस है इन दोनों का, इस ट्राइंगल का भी ए एक्स एस और इस पैरेललोग्राम का भी ए बी आर एस, इसका ये ले सकते हैं हम बेस ए एस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स ई एस एंड ये बी आर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस, क्योंकि ये थ्योरम है अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ होता है 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये यूज कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि एरिया ए बी आर एस और एरिया पी क्यू आर एस बराबर है, तो लेफ्ट साइड ऐसे ही आ जाएगी ए एक्स एस 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, एरिया ए बी आर एस की जगह हम एरिया पी क्यू आर एस लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एरियाज बराबर हैं,
तो सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना है, एरिया ए एक्स एस इक्वल टू एरिया पी क्यू आर एस डिवाइडेड बाई टू, हेंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट। तो अब थर्ड क्वेश्चन है यो आज का और नंबर है इसका सिक्स्थ। ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की शेप में फील्ड है, पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड जॉइंड इट टू पॉइंट पी एंड क्यू। तो इस किसान, जो महिला किसान है, एक पॉइंट ए लिया ऑन आर एस, आर एस पर, एंड जॉइंड इट टू पॉइंट पी एंड क्यू, और पी और क्यू पर, पी और क्यू के साथ ये जॉइन कर दिया पॉइंट ए को। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, पहला इसने पूछा है फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हुई है। ये तीन ट्राइंगल्स बन गई है, तो हम लिखेंगे फील्ड इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, फील्ड इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, और ये पार्ट्स हैं ट्राइंगुलर। एक पार्ट है एस ए पी ट्राइंगल, दूसरा ए पी क्यू, और तीसरा ए आर क्यू। वट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, तो ये हमने इधर ही लिख दिया ट्राइंगुलर। द फार्मर वांट्स टू सो बीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शंस, तो ये जो किसान है ये बीट और पल्सेस, बीट होती है गेहूं और पल्सेस दालें, बोना चाहती है इक्वल पोर्शन में, खेत के इक्वल पोर्शन में सेपरेटली, और अलग अलग बोनी है, गेहूं अलग जगह बोनी है, दालें अलग जगह, और बराबर हाफ 50% फील्ड में गेहूं बोनी है और 50% फील्ड में पल्सेस। हाउ शुड शी डू इट, तो बड़ी आसानी से ये की कर सकती है ये किसान, क्योंकि ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पैरेललोग्राम एस आर क्यू पी आर ऑन सेम बेस पी क्यू पर हैं, ये दोनों ए पी क्यू और एस आर क्यू पी पैरेललोग्राम, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स पी क्यू और एस आर, देयर फोर ये एरिया ए पी क्यू जो ट्राइंगल है ये हाफ है एरिया पी क्यू आर एस, जो पूरी पैरेललोग्राम है, या एस आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, तो ये हाफ है, तो हाफ देयर फोर ये वाला एरिया हाफ है, देयर फोर शी कैन सो बीट इन एरिया ए पी क्यू, और रिमेनिंग जो बचा तो ये फिर हाफ बच जाएगा, क्योंकि इस पैरेललोग्राम का हाफ अगर हम निकालें तो पीछे हाफ ही बचेगा। एंड शी कैन सो पल्सेस इन एरिया एरियाज पी एस ए एंड ए आर क्यू, पी एस ए और ए आर क्यू मिलकर ए पी क्यू एरिया के बराबर होगा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स वो जहां दालें भी बो सकती है और जहां पल्सेस, जहां बीट भी बो सकती है, चाहे इस पोर्शन में दालें बोले, चाहे इस पोर्शन में बीट और दूसरे पोर्शन में दूसरी चीज, तो कैसे वो 50% पल्सेस और 50% बीट सो कर सकती है, ये हमने बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सिक्स आप कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लेना। तो पहले पांच क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको सेंड करूंगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, वो लंबी एक्सरसाइज है, उसमें एक दो कंसेप्ट और भी यूज़ करना है। इस एक्सरसाइज 8.2 में हमने यही ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स वाली जो थ्योरम है ये हम यूज़ की है।